आज मैं आपके लिए लाई हूँ दम आलू की एकदम आसान और मज़ेदार रेसिपी, जिसे आप घर पर कम इंग्रेडिएंट्स में आसानी से बना सकते हो। तो मेरी रेसिपी अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बाजार जैसा स्वाद घर पर पाएंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू, जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी लगाकर उबाला है। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं, तो हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से कांटे की मदद से इनमें इस तरीके से छेद कर देंगे, ताकि जो हम ग्रेवी या मसाला बनाएं वो आलू में बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, तो बिल्कुल हाफ से भी हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, इन सबको डाल करके ना बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसमें हल्की सी मसाले की कोटिंग आ जाए। कढ़ाई में हल्का सा तेल लेंगे, तो मैं इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही, हल्का सा सॉटे करेंगे ताकि इसमें कोटिंग आ जाए मसाले की। तो बस तेल गरम करें और उसमें ये जो सारे आलू हैं, जितने आपकी कढ़ाई का साइज़ है उस हिसाब से आलू डाल दें। तो मैंने यहाँ पर एक साथ सारे डाल दिए हैं, इसको हल्का सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तेल में बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाए। तो 4 से 5 मिनट बाद इस तरीके से इसमें जो है हल्की हल्की मसाले की कोटिंग आ जाएगी, तो ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। तो बस अब उसमें जब मसाले की कोटिंग आ जाए, इसको हम बाहर निकाल देंगे बर्तन में, और इसी बचे तेल में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जावित्री का फूल, तेजपत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची और जीरा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डाल करके हल्का सा सॉटे करेंगे। तो तेल हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मैंने इसमें ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करा है, बट अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप उस हिसाब से और तेल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें प्याज का पेस्ट, तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज का मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। तो आप चाहे तो काट कर भी डाल सकते हैं, बट इस तरीके से पेस्ट बनाएंगे ना तो ग्रेवी में जो है थोड़ी सी थिकनेस भी आती है और ये टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनाता है। तो बस इस तरीके से इसको भून लेंगे, तो लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे, क्योंकि प्याज जो है वो जल्दी से चिपक जाता है। तो बस इसको इस तरीके से हम पकने देंगे, तो ढक करके मैं इसे 2 मिनट पकने देती हूँ। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए मसाला जो है अच्छी तरीके से पक गया है, और ये देखिए जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूखने लग जाए प्याज का पेस्ट, उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, पेस्ट डाल के इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेंगे हम प्याज के साथ, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है उसकी स्मेल भी उड़ जाए। तो बस मीडियम फ्लेम पर इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी, इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज का पेस्ट यूज़ करने से ये होता है कि ग्रेवी काफ़ी रिच बनती है और बहुत थिक भी बनती है। तो अब हम डालेंगे मसाले, 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, तो देगी लाल मिर्च ली है मैंने, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो अब हम क्या करेंगे, मसालों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ना भून लेंगे। तो 2 से 4 मिनट इस मसाले को बिल्कुल अच्छे से भून लें, तो ढक करके पकाने और इस तरीके से भूनने में अलग फ़र्क आता है। तो आप एक बार इस तरीके से भून करके मसाला पकाइए, तो आपकी ग्रेवी में अलग सा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, तो ग्रेवी आपको जितनी थिक चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल लें। तो यहाँ पर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला। अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब आपको मीडियम फ्लेम पर ग्रेवी में एक उबाल लगा लेना है, और उसके बाद ये जो फ्राई किए हुए आलू हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए ग्रेवी में बिल्कुल अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है, तो अब ये फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। तो बस बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दें आलू को ग्रेवी में। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो दम आलू है कितना बढ़िया लग रहा है। तो बस इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिप कर देंगे ग्रेवी में, और ढक करके इसे 2 मिनट पकने देंगे, या कहें तो आलू में दम लगाएंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए आलू कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो बस हल्की सी कस्तूरी मेथी से इसे गार्निश कर देंगे, चाहे तो आप धनिया पत्ती से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो बस ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसको आप गरम गरम परोठों के साथ खाइए, चाहे आप रोटी के साथ खाइए, 2 की जगह आप 4 रोटी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है।